प्लीज मेरे भाई मोंटी को जेल से रिहा करवा दीजिए। अगर आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आज इतने दिनों बाद रवि का ये रूप देखकर अच्छा लगा मुझे। उसकी इसी बात पर तो प्यार आता था कि वो अपनी फैमिली की कितनी केयर करता है, किसी को भी जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। और आज भी उसने वही किया, इसका मतलब आज भी कुछ तो अच्छाई बाकी रह गई है उसमें। भले उसने मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया, कम से कम किसी का तो साथ दिया उसने। खुद से ज्यादा किसी के बारे में तो सोचा, आज बहुत अच्छा लगा देखकर। अंबिका, अरे अंबिका बेटा, तुम यहाँ गुमसुम खड़ी हो और वहां इतने बड़े धमाके हो रहे हैं, यहाँ आओ, अपनी आंखों से देखो। ये देखने के बाद तुम्हें भी बहुत जोरदार झटका लगेगा। देखो, आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन मिस निवेदिता लूथरा किस हद तक गिर सकती है। सुनिए ये चीखना चिल्लाना, देख लो यहाँ से। ये बातें साबित करती हैं कि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उन्होंने हम मीडिया वालों पर भी हमला बोल दिया, हमारा अपमान किया, हमारे कैमरा तोड़ दिए। क्या उनको देखकर लगता है कि वो अंबाले की इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन हो सकती हैं? लेकिन हम भी मीडिया वाले चुप नहीं बैठेंगे, हम भी मिस लूथरा के खिलाफ अलग से केस फाइल करेंगे। शायद उनके ऐसे ही वजह से उनके दोनों घर नीलाम हो रहे हैं, और जिनके खुद के घर ऐसे सरे बाजार बिक रहे हो, वो भला दूसरों के लिए क्या घर बनाएंगी। जाहिर सी बात है कि अब उनकी कंपनी इन्हीं की तरह टूट कर बिखर जाएगी। विदिता क्या कर रही है? ये पागलपन के किनारे पर खड़ी है, एक कदम और बढ़ाया ना तो ऐसे डूबेगी कि इसका उभरना नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि उसका वजूद हिलाने में कामयाब हो गए हम। अपनी एंगेजमेंट में वो जेल जाने से तो बड़ी आसानी से बच गई, लेकिन माता रानी सब देख रही है। वैसे नहीं तो ऐसे तो सजा मिल ही गई उसे। बेटा जानती हो, हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी रंग ला रही हैं। हाँ माँ। अब तो बस एक जोरदार झटका लगेगा उसे, फिर वो पूरी तरह से जमीन में धस जाएगी, फिर तो उसकी कहानी खत्म। ये तो नो फ्यूचर, नो स्टेटस, नो नथिंग। निवेदिता पूरी तरह से पागल हो जाएगी। लेकिन माँ, कौन सा जबरदस्त झटका? हमें कुछ समझी नहीं, आपने कुछ प्लान किया हुआ है क्या? माँ मुझे भी जानना है कि क्या आइडिया है, हमारा अगला कदम क्या होगा। हाँ बेटा, सोचा तो है। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगेगा जब वो अपना घर खो देगी। अभी तो सिर्फ ऑक्शन की खबर सुनकर उसका ये हाल है। जरा सोचो, जब उसे ये पता चलेगा कि उसका आलीशान घर, उसकी पहचान, उसका बसेरा उससे छिन जाएगा, तब उसका क्या हाल होगा। और बेटा, अगर उस नीलामी में निवेदिता का घर हम खरीदते हैं तो फिर उसकी लाइफ, उसके परिवार की लाइफ हमारे हाथों में होगी, और फिर हम जैसा चाहे निवेदिता के साथ खेल खेल सकते हैं, है ना अंबिका? बेटा, वो औरत रहम खाने के लायक नहीं है। मुझे अभी अभी पता चला है कि रवि का पुराना घर उसी ने जलाया था। ताकि तुम्हारी सारी यादें मिट जाए, और फिर तुम्हारी बहन साक्षी के साथ उसने जो कुछ किया उसका तो तुम्हें पता ही है ना। उसे सजा देने का हम एक भी मौका नहीं खोना चाहते। आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन मिस निवेदिता लूथरा किस हद तक गिर सकती है। देखिए ये तोड़फोड़, सुनिए ये चीखना चिल्लाना। देखा आपने, कितनी बार समझाया आपको कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, तो आपकी आंखों के सामने देख लीजिए क्या हो रहा है। देखो पागल पागल किसी करी देखना, पागल पागल क्यों कर रही है ज्योति।
कितनी बार कहा है तुमसे इस पागल को बाहर मत लेकर आया करो. Why did you do this? Take her out of here. वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी. गलती होगी उसकी. क्या करते हो जी, इतना ज्यादा गुस्सा करते हो. इतना गुस्सा मत किया करो जी, अच्छी बात नहीं. आप मुझे समझा रहे जैसे मेरा कोई जजमेंट ही नहीं है. पागल समझ लिया आप सबने मुझे. पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप है. और इस घर को पागल खाना बना दिया जब आपको क्या लेकर आई. मैं हजार बार बोल चुका हूँ कि मेरे परिवार से तमीज से बात कीजिए. अब आइए मेरे साथ. दिमाग खराब आपका? ये कैसा बिहेवियर था? क्या बदतमीजी थी? मिस तूता, आपको समझ में क्यों नहीं आता कितनी बार मैं आपसे बोल चुका हूँ कि अपने अपने गुस्से अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कीजिए. और न्यूज चैनल वालों के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़े करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे न्यूज चैनल वालों का तो काम होता है मिस तूता, वो न्यूज के लिए भूखे होते हैं. वो जान बूझ कर इंसान को प्रोवोक करते हैं ताकि वो उस तरह की बदतमीजी करे. लेकिन आप तो समझदार है मिस तूता. पूरी दुनिया जो हम पर विश्वास करती थी, हमारी कंपनी पर विश्वास करती थी, हमें मजबूत समझती थी, क्या दिखाया आपने उनको? आपका दिमाग कितना खराब है? अब कौन हमारा विश्वास करेगा? कौन कौन हमारी कंपनी का साथ देगा? बताइए मुझे. आपके इस पागलपन की वजह से देखा आपने कहां फंस गए हम लोग. मैं पागल नहीं हूं रवि. आई एम नॉट मैड. और कहां से आएंगे पैसे? बोलो ना कहां से आएंगे. इतना तो ट्राई कर रहे हैं हम. ऊपर से ये नीलामी की न्यूज. गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आवाज तेजी करके बात कीजिए मिस लूथरा, प्लीज. मिस लूथरा, अगर आप शांत होकर कॉन्फिडेंस से बात करती तो शायद दुनिया को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारी कंपनी में अब भी दम है. लेकिन नहीं, आपने चिल्ला चिल्ला कर बदतमीजी के साथ अपनी कमजोरी दिखा दी. और दुनिया तो क्या, वो साक्षी मासूम सी बच्ची जो ठीक नहीं है, जिसकी तबीयत खराब है, उसने तक बोल दिया आपको. और सच्ची तो कहा है कि आप पागल हैं. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जाकर देखिए मिस लूथरा की दुनिया क्या बातें कर रही है, आपका मजाक उड़ा रही है. मिस लूथरा, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे आपकी फिक्र है. प्लीज अपने आपको संभालिए, हैंडल कीजिए अपने आपको. मैंने फिर गलती कर दी, सॉरी. मुझे ऐसा लग रहा है रवि कि मैं सच में पागल नहीं हो रही. अगर मैं पागल हो गई रवि तो तुम मुझे छोड़ दोगे. प्लीज रवि, देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है. जब तुम देविका के साथ थे बहुत बुरा लगता था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा रवि. एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा रवि, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा. तो भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना रवि? बोलो ना रवि. क्या करूं मैं, ये बुरी तरह टूट गई है. बोल देता हूं ताकि ये समझ जाए. मिस लूथरा, मैंने कहा ना मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा. लेकिन इस वक्त हमें ये सोचना है कि आपके घर को कैसे बचाना है. मेरा मतलब है कि ऑक्शन में, नीलामी में सबसे ज्यादा बोली हमें को देनी पड़ेगी ताकि आपका घर बचाए. सब सोच लेंगे, बस तुम किसे छोड़ के बन जाओ. ओके मिस लूथरा, प्लीज अब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए. मैंने कहा ना मैं आपका साथ दूंगा. मैम रिलैक्स. माँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका. अब तो मुझे भी लगता है माँ कि आप जो सोच रही हैं बिल्कुल ठीक सोच रही हैं. अगर हम निवेदिता का घर खरीद लेते हैं तो वो हमारे सामने बहुत कमजोर पड़ जाएगी, उसे बहुत चोट पहुंचेगी. और इस हालत में वो हमारे खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है माँ. और एक बार उसकी वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हो गई तो वो और उसके घर वाले सब हमारे सामने झुक जाएंगे. हाँ बेटा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर हमने जरा सी भी गलती की ना तो हमारा राज खुल जाएगा. ये बहुत बड़ा रिस्क है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते. और जैसे ही हम नीलामी में बोली लगाएंगे, निवेदिता ये समझ जाएगी कि हम उसके खिलाफ हैं और तुम उसकी सच्ची दोस्त या कोई वेलविशर नहीं हो. अब तुम डिसाइड करो बेटा कि हमें ये रिस्क उठाना चाहिए या नहीं. ऑफकोर्स उठाना चाहिए माँ. मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन हमारी लड़ाई भी तो उतनी बड़ी है. हम हर चाल सोच समझ के चलेंगे कि हमसे कोई भी गलती ना हो पाए. माँ, ऐसा मौका हमारे हाथ में बार बार नहीं आने वाला. उसके बाद अगर हमारा रास खुलता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. खुल जाने दीजिए. नहीं बेटा, ये खुलकर सामने आने का ये सही वक्त नहीं है. हम निवेदिता के खिलाफ इतना सब कुछ कर पाए क्योंकि हमारा मकसद उसे छुपा हुआ है. हमारा राज ढाल की तरह हमारी रक्षा करता है. ये हमारा वजीर है जिसकी हम कुर्बानी नहीं दे सकते. अब तुम बताओ, हमें ये कदम उठाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए माँ. ऐसा गोल्डन चांस हमारे हाथ में बार बार नहीं आएगा.
और हम अपने बचने के बारे में बाद में सोच लेंगे ना, आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा। हाँ वैसे ये मौका तो बहुत जबरदस्त है, और श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म कर उसके परिणाम से मत डर। चलो ये खतरा भी उठा ही लेते हैं।